दिल्ली पुलिस की मध्य जिला टीम ने भारत नेपाल सीमा से 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर 1 नाबालिग लड़की को बचाया है। तकनीकी और मैनुअल निगरानी के कारण आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। नाबालिग को परिवार को सौंप दिया गया है। बच्ची को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उसके मामा कर्ज में थे और आरोपी की पहचान कृष्णा के रूप में हुई है। आईपीएस स्टेट थाने के अंतर्गत जो एलएनजेपी कॉलोनी है, उससे एक इन्फॉर्मेशन हमें मिला था 27 तारीख के नाइट में, 27-28 के इंटरवीनिंग नाइट में, कि एक 6.5 साल की बच्ची है जो मिसिंग हो गई है। उसके फादर ने कंप्लेन किया कि वो बच्ची अपने घर से निकली थी, फादर का दुकान है वहीं पे पास में, कि अपने फादर के दुकान पे जाने के लिए घर से निकली, ऐसा बताया गया। और फिर ना दुकान पहुंची ना घर पे मिल रही है, तो इसमें इमीडिएटली केस रजिस्टर करके जब खोजना स्टार्ट किया, तो कुछ ही देर में मदर के मोबाइल फ़ोन पे एक फॉरेन नंबर से, एक मलेशियन नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया, जिसमें किसी एक अननोन पर्सन ने कहा कि जो बच्ची है वो उसके पास है और जो भी उसके डिमांड्स हैं फर्दर वो उस चीज़ को कम्युनिकेट करेगा। तो इस चीज़ को पूरी तरह से गंभीरता से लेते हुए ने टीम बनाया हमारे एडिशनल डीसीपी सचिन के सुपरविजन में, जिसमें कि आईपीएस स्टेट थाने के लोग, हमारे एसएचओ पटेल नगर, इंस्पेक्टर विक्रम, इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर रोहित और सब इंस्पेक्टर योगेंद्र जो आनंद पर्वत थाने में पोस्टेड हैं, इन सबका एक अलग अलग लोग सबका और भी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे लोगों का इसमें अलग अलग टीम बनाकर इमीडिएटली हमने काम शुरू किया इसको बहुत सेंसिटिवली लेते हुए। जो उस नंबर का जिससे कि मदर को मैसेज आया था, उसका जब हमने टेक्निकल एनालिसिस फर्दर किया, तो उसमें हमें एक थोड़ा लिंक मिला, वो फॉरन का नंबर था, बट उसमें जो भी टेक्निकल एनालिसिस पॉसिबल था उसमें एक हमें लिंक मिला जो कि सीतामढ़ी बिहार की तरफ पॉइंट किया। और फर्दर यहाँ पे भी डिटेल्ड में क्वेश्चनिंग चल रहा था, जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे, फैमिली मेम्बर्स के नोन लोग थे, तो उसमें भी कुछ ऐसे बातें सामने आई कि कुछ मॉनिटरी इशू भी चल रहा है फैमिली में। तो ये सारे, और एक फैमिली मेम्बर जो है वो सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला भी है, तो इन सब चीज़ों को जब कनेक्ट किया गया तो ये चीज़ पता चला कि उस मिसिंग बच्ची के मौसा और मौसी ने उसको ल्योर करके, चॉकलेट के बहाने ल्योर करके उसको रात में बाहर ले गए थे, कॉलोनी से बाहर ले गए थे, और वहाँ पे एक वाइट कलर स्कॉर्पियो गाड़ी पहले से मौजूद थी, जिसमें कि ये तीन अक्यूज जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, तीन किडनैपर थे, वो मौजूद थे, और वो फिर बच्ची को स्कॉर्पियो में डाल के उसको बिहार ले गए, जहाँ इनका फर्दर प्लान था नेपाल में, वन ऑफ द जो किडनैपर थे पिंटू, उसके रिलेटिव नेपाल में भी हैं, तो वहाँ पे उस बच्ची को ले जा रहे थे, और इंडिया नेपाल बॉर्डर पे बच्ची को रेस्क्यू किया गया, और इस बाकी जो इसमें 5 लोगों को अभी तक गिरफ्तार भी किया गया है। इसमें जो रीज़न सामने आया है ये है कि जो ये जो अक्यूज्ड हैं, जो इसका मौसा है कृष्ण, उसने करीब 30 लाख रुपए जो है उधार में दे रखे थे इस लड़की के चाचा को, और इसको वो रिकवर करना चाह रहा था, और उसको लेकर इसने इस तरह का प्लान बनाया। और भी लोग थे जिन्होंने, जिनसे इस लड़की के चाचा ने काफ़ी अमाउंट ले रखा था कुछ स्टॉक ट्रेडिंग या उस तरह के चीज़ों के लिए, और वो पैसे उनको चुका नहीं पा रहा था लोगों को, तो इस तरह काफ़ी सारे लोग थे जो इनसे पैसे मांगने वाले हो गए थे। तो इस रीज़न से जो है ये पूरा किडनैपिंग किया गया। जो नेक्स्ट डे भी 2 बार मदर को उसे मलेशियन नंबर से व्हाट्सएप मैसेजेस आए कि बैंक अकाउंट के नंबर देंगे, उसमें पैसे डाल दो, और इस तरह के मैसेजेस आए। बट हमारी टीम जो है सारे हमने एनालिसिस करके बाय एयर हमने टीम को वहाँ भेज दिया था, और काफ़ी हमने सर्वेलेंस करके कि बच्ची का सेफ्टी को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखते हुए हमने एक सही टाइम चूज़ करके जब हम उनको सेफली इंटरसेप्ट कर सकें या कर सकते हैं, ऐसा करके बच्ची को रेस्क्यू किया है। और टोटल जैसे मैंने बताया 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक तो कृष्ण है, वाइफ है शाहिदा, और जो पिंटू, सुशील और सुनीता, ये तीनों वो हैं जो स्कॉर्पियो गाड़ी में
थे जो बच्ची को लेकर यहाँ से बाई रोड दिल्ली से बिहार तक, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में जो बॉर्डर लगता है इंडिया और नेपाल का, वहाँ तक वो लोग लेकर गए थे। तो इसमें अभी भी हमने कुछ और लोग को भी डिटेन कर रखा है, जिनसे पूछताछ चल रही है कि उनका इसमें क्या एग्जैक्ट रोल सामने आता है, उसके बेसिस पे फर्दर लीगल एक्शन लिया जाएगा। कितने इनका जो कृष्ण का जो लेन लेना था इस लड़की के चाचा से, वो करीब 30 लाख रुपीज़ का था। तो वो स्टेज पर अभी पहुंचे नहीं थे बातचीत के स्टेज पर, उन्होंने एक आधा बैंक अकाउंट नंबर देंगे पैसे देना, बट जैसे मैंने बताया 27-28 के इंटरवीनिंग नाइट में हमें ये इंफॉर्मेशन मिला और हमने जो है 29 अर्ली मॉर्निंग में रेस्क्यू कर लिया। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।